हेलो बच्चों, लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए ट्राइग्नोमेट्री का 10th क्लास का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, अगली एक्सरसाइज लेके आए हैं। इस एक्सरसाइज से बच्चों क्वेश्चन जो है पक्का पेपर में आता ही आता है, ठीक है। हम क्वेश्चंस कुछ लेके भी हैं, कुछ आइडेंटिटीज आपने पहले भी मैंने करवा रखी है, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए और हम उसको पूरा का पूरा कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1 + 10² a। क्वेश्चन ये बच्चों, ये आइडेंटिटी है कि 1 + 10² a इज इक्वल टू 6² a के बराबर होती है, ये आपको पता है, ठीक है। यहीं से हमारे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे अकेला 10² a ही लिखना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 6² a - 1 के बराबर। अगर मुझे 10 a लिखना है तो वो बन जाएगा अंडर रूट, ये बन जाएगा 6² a - 1, क्लियर। और उसी तरीके से अगर 6² a का लिखना है तो वो बन जाएगा 1 + tan² a अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू 6a, क्लियर बात। तो ये आइडेंटिटी है, हमने पढ़ भी रखी है, मैंने पहले भी आपको करवाई है। देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, वो है sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1। ये भी आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पे आपके साइन के रूल भी बनते हैं, कोस के भी बनते हैं, इसी से ही बन जाते हैं। कैसे, देखिए, sin² a इज इक्वल टू 1 - cos² a बनेगा, क्लियर। उसके बाद साइन ए अंडर रूट के अंदर 1 - cos a बन जाएगा स्क्वेयर के अंदर। अब क्या आएगा, cos² a इज इक्वल टू 1 - sin² a एंड कॉस ए अंडर रूट 1 - sin² a, क्लियर, चल गया पता। तो ये हमारे पास में बन गया है 1 - sin² a, ठीक। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास में cos² a + 1 एंड इज इक्वल टू cos² a। तो बस इसी को भी वैसे ही करना, आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि cos² a इज इक्वल टू -1, एंड जब उसको घुमा के लिखेंगे तो वो अंडर रूट में लिखी जाती है। तो ये तीन तरह के, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। चलिए ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करके आप क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर मैं बात करूँ तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए इकट्ठा ही क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, बट कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ कि है क्या ये। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ ली, आगे बच्चों को कुछ बेसिक्स रूल थे ट्राइग्नोमेट्री के, मैंने शुरू में करवा रखे। अब मेरे पास में क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टी रेशियोज होती हैं, 6 टी रेशियोज होती हैं, वी नो अबाउट दैट, कौन कौन सी, साइन ए, सिकेंड ए और टेन ए को किस में कन्वर्ट करके लिखना है, कोट ए में। किसको, आपको क्या करना है कि साइन ए को किस में बनाना है, कोट में बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिकेंड ए को किस में बनाना है बच्चों, कोट में बनाना है। उसके बाद आपको टेन को भी किस में बनाना है, कोट में बनाना है। इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है और एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम बात सबसे पहले आपकी टैन की करें, तो ये तो हमारे पास में एक सिंपल सा रूल रहता है, क्या कि टैन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 / cot a के। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर 2 वाला, ये सिकेंड वाला। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या कि 1 + tan² a इज इक्वल टू 6² a के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है, क्लियर। अब मुझे सिकेंड को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कोट बना दूँ, 1/cot² a एंड इज इक्वल टू 6² a। अब ये अकेला सिकेंड का है तो आप इसको अंडर रूट में ऐसे करके लिख सकते हो, cot² a एंड इज इक्वल टू 6² a, ठीक है, सिकेंड स्क्वेयर है, चल गया पता। हमारे पास में क्या आ गया, अब जैसे मैं इसका एलसीएम लेने की बात करूँ, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में, एलसीएम क्या आएगा, cot² a और यहाँ पे आएगा cot² a एंड +1 एंड इज इक्वल टू 6² a के बराबर। मतलब कि सिकेंड ए आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोटे में बदल गया। अब बात आती है आपकी साइन ए की। तो साइन ए के दो आपके रूल हैं, कौन कौन सा, एक आप को सिकेंड वाला भी लेके चल सकते हो, कौन सा बच्चों, ये वाला, देखिए
कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट ए के बराबर रहता है। अब आपको पता होगा कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी ये है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट cot² a एंड माय प्लस 1, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? तो आपको रूल्स अगर पता होएंगे तो जिस मर्जी में भी आपको बोला होगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी फॉर्म्स थी इन कोट के अंदर। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan² a ओवर 1 प्लस cot² a इज इक्वल टू टेन स्क्र ए के बराबर आपको प्रूव करना है। ये कह रहा है कि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक है, तो पहले तो इसी को देखते हैं कि कैसे आएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan² a एंड ओवर 1 प्लस cot² a। तो ये डायरेक्ट आपका रूल बन जाएगा बच्चों, कौन सा? ये बन जाएगा secant² a एंड ये बन जाएगा cosec² a। क्लियर? और secant a आपका होता है किसका? cos का उल्टा होता है, और cosec उल्टा होता है 1 बाय sin का उल्टा होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि sin² a ऊपर चला जाएगा और cos² नीचे आ जाएगा, जो कि ये क्या बन जाएगा आपके पास में tan² a। क्लियर होगी बात? ठीक है, tan² a। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस में करते हैं? साइन और कॉस में करते हैं। जैसे कि इसको मैं लिख लूँगी 1 बाय sin थीटा एंड माइनस ये बन जाएगा cos थीटा एंड ओवर sin थीटा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब इसको होल स्क्वायर में ही रहने देना आपने। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये तो एलसीएम आपका रहेगा sin थीटा। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा, अब नीचे का आपका सेम है तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा। इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये होल स्क्वायर आपने अलग कर देना, इसका ही साथ में अलग कर देना, कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर देना है और साइन स्क्वायर का थीटा अलग कर देना है, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए ये आपका 2 टाइम आ रहा है। आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? अब नीचे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, अभी हमने रूल पढ़ा है। मैं फिर से बता देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा रहता है। तो ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर रहता है बच्चों, ये होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर का मीनिंग कुछ अलग रहता है और अलग स्क्वायर का मीनिंग की इनका मीनिंग अलग रहता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 स्क्वायर एंड cos² थीटा बाय आइडेंटिटी आया। ठीक है, ये बन जाएगा a² माइनस b² जो कि होता है a + b × a - b। तो लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा एंड नीचे आएगा 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। एक क्या रहता है, आपको रूल याद होगा कि a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a + b × a - b। तो वही यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। क्लियर? अब जो सेम है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को करने से यही है कि आपको आइडेंटिटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को करोगे, फॉर्मूले सीखोगे, आपको फिर भूलेगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। मुझे सिकेट ए बनाना है, कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखिए पहले तो एलसीएम ले लेते, मुझे लग रहा है एलसीएम लेना ठीक रहेगा। पहले भी मैंने जल्दी में देख लिया नहीं था। अब 1 प्लस sin a आ जाएगा। क्लियर? एलसीएम आ गया। अब ये पूरा का पूरा पहले इससे डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? कोस से, कोस से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस। ठीक है, अब क्या आएगा उसके बाद? पूरा का पूरा ये कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस से कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। 2 टाइम आ रहा है, देन इज इक्वल टू 2 secant a। अब देखिए आगे क्या आएगा, cos² a। अब यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin a ही आएगा। ठीक है, और नीचे बच जाएगा आपके पास में cos a एंड इंटू 1 प्लस sin a, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों हमारे पास में क्या बन रहा है। देखिए sin² a cos² a इज इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन होता है, वन लिख दिया, प्लस वन प्लस टू साइन ए एंड ओवर कॉस ए एंड वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस वन कितना बन जाएगा बच्चों, टू, तो ये बन जाएगा टू प्लस टू साइन ए ओवर कॉस ए एंड वन प्लस साइन ए। अब यहाँ से टू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए कॉमन, टू कॉमन लेंगे, देन वन प्लस साइन ए ओवर कॉस ए एंड वन प्लस साइन ए, ठीक है, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास में क्या बचता है, टू ओवर कॉस ए, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा टू इंटू वन बाय कॉस ए, तो वन बाय कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड ए के, आगे आपके राइट हैंड के बराबर, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें फिर से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सिंपल सा है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए एंड इन टू कॉसेकेंड ए, क्लियर बात, ठीक है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी वही जो रूल रहता है। अब यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंड स्क्वायर ए उसके बाद प्लस टू कॉस ए एंड इन टू सिकेंड ए। हमें बनाना क्या है बच्चों, सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बनाना है, चलिए देखते कैसे बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी जो कि रहती है वन के बराबर, ये हो गया। अब आप ऐसा करो, सेकेंड है, सेकेंड को यहाँ पे लिख लीजिए, सेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस सेकेंड स्क्वायर ए भी लिख लिया, ये भी हो गया। अब बचता है ये वाला, ये वाला हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो टू साइन ए और कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल रहता है, साइन का, तो वो आ जाएगा वन ओवर साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस टू कॉस ए एंड सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। अच्छा, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन, वन कर देंगे। अब वन प्लस सेकेंड स्क्वेयर ए, इसको तो पहले ऐसे ही रखिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो एक स्टेप आगे करेंगे, बड़े बाद में नहीं, अभी कर लेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस वन कितने बन गए बच्चों, फाइव बन गए, इसको रखिए साइड पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि सेकेंड स्क्वेयर ए किसके बराबर रहता है, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए के, आइडेंटिटी है आपकी, प्लस कॉस सेकेंड स्क्वेयर किसके बराबर रहता है, कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन के। अब पाँच छ और एक सात बन गए सेवन, प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसमें आपकी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज जो है यहाँ पे यूज़ होती हैं, कुछ रेसिप्रोकल का भी रूल यूज़ होता है, तो ऑल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला, तो प्लीज़ फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर रूट वन प्लस साइन ए ओवर वन माइनस साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टेन ए, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए रैशनलाइज करेंगे हम, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, मैंने कहा थे सेशन में पीछे भी आपको सिखाया था, देखना उसको, एंड वन माइनस साइन ए, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी हम नीचे वाले से करते हैं टर्म से, और उसका साइन बीच का चेंज कर देते हैं, जैसे कि वन प्लस साइन ए एंड ओवर वन प्लस साइन ए, क्लियर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टू टाइम आ रहा है, क्लियर। नीचे वाले बनेगा हमारे पास में वन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें अंडर रूट को अलग अलग करके लिख दोगे, अंडर रूट पहले ये आएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड ओवर अंडर रूट
वन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए, यहाँ तक हुई बात खत्म। इसके साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए ओवर अंडर रूट वन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर। तो ये किसके बराबर रहता है बच्चों, वन प्लस साइन ए, ये रहता है हमारे पास में कॉस ए के बराबर। इसको अलग अलग कर देंगे, वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, क्लियर। तो वन बाय कॉस क्या रहेगा हमारे पास में, सिकेंट ए, ठीक है, एंड साइन बाय कोस क्या रहेगा, टेन ए। तो ये आ गया आंसर हमारा जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे आपकी एप्लीकेशंस का लेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, जो भी आपका आई थिंक नाइन्थ एक्सरसाइज है एप्लीकेशन के रिलेटेड टू ट्राइग्नोमेट्री, प्लीज़ उसको देखिएगा, ये भी देखिएगा, ये देखोगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो वो हम जल्दी ही वीडियोस डाल देंगे उसकी एप्लीकेशन की भी। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट सेशन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें ठीक करनी चाहिए तो हम उसको ज़रूर उस पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।